नमस्कार, मैं श्रद्धा शर्मा। यूसी नकोला समाचार में आपका स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। प्रभु यीशु के जन्मदिन के उपलक्ष में क्रिसमस मनाया जाता है। नन्हे बच्चे तो इस उत्सव को लेकर काफी उत्साहित होते हैं। सांता क्लॉज आएगा, हमारे लिए गिफ्ट लाएगा, यह उनकी अपेक्षा होती है। इस दिन सभी गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थनाएं की जाती है। जगह जगह पर प्रभु यीशु की झांकियां सजाई जाती है। इस उत्सव को लेकर क्रिश्चियन बांधव काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। प्रभु यीशु के जन्मदिन के रूप में क्रिसमस दिवस मनाया जाता है। इसी दिन गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थनाएं होती है। जगह जगह प्रभु यीशु की झांकियां सजाई जाती है। इस दिन घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। आज सोमवार 25 दिसंबर को क्रिसमस या बड़ा दिन के उपलक्ष में शहर के सभी गिरिजाघरों में विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। सोमवार को क्रिसमस की प्रार्थना के लिए ईसाई बांधव सज धज कर पहुँचे थे। अकोला की 160 वर्ष पुरानी क्रिश्चियन कॉलोनी स्थित एकमेवा चर्च समेत जिले भर की गिरिजाघरों को सजाया गया था। आज 25 दिसंबर के उपलक्ष में शहर में विविध धार्मिक कार्यक्रमों के साथ रैली भी निकाली गई। समूचे विश्व में प्रभु ईसा मसीहा का जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रिसमस बड़ा दिन नाताल के रूप में मनाया जाता है। ईसाई बांधव 12 दिवसीय त्यौहार के रूप में इसे मनाते हैं, जिसमें एक दूसरे को उपहार देने, शुभकामना पत्र देने का सिलसिला चलता है। इस त्यौहार पर क्रिसमस ट्री का विशेष महत्व होता है। इस दिन की पूर्व रात्रि में लाल वस्त्र पहनकर तथा सफेद लंबी दाढ़ी वाले सांता क्लॉज की ओर से बच्चों को उपहार बांटे जाते हैं। 24 दिसंबर की रात ईसाई बांधवों ने नाश्ते गाते हुए वॉच नाइट मनाई। एक दूसरे के घर जाकर ईसा मसीहा के जन्मदिन के गीत गाए, जिसे केरल पार्टी के नाम से जाना जाता है। अकोला में अलायंस मिशन के 4 गिरिजाघर है। इसके अलावा भी अन्य मिशन के गिरिजाघर है। जिले में लगभग 30 गिरिजाघर है। आणि संपूर्ण जगांचा पापाचं ओझं तो घेऊन गेला, त्यामुळे आम्ही ख्रिस्ती लोक, ख्रिस्ती समाजाचे लोक ख्रिस्त जन्म हा उत्सव पाळतो। आणि हा जन्मोत्सव सर्व अकोला शहरातील सर्व नागरिकांना सुखाचा समृद्धीचा जावा, येणारे नवीन असत, त्याबरोबर देखील आम्ही सर्वांना शुभेच्छा देतो। अशा प्रकारे आम्ही हा शुभ संदेश सर्वांना देतो। आणि येशू ख्रिस्त हा ख्रिस्ती धर्माचा संस्थापक असून त्यांनी आमच्या पापांसाठी स्वतःचा जीव वधस्तंभावर दिलेला आहे, साक्ष आम्ही सर्वांना देतो।